ये जो है ये शाहरुख खान की वैनिटी वैन है। कल यहीं पे शाहरुख खान सलमान खान के कार थी। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग को लग रहा होगा ये इंट्रो ऐसे अलग अलग क्यों हुआ है, मैं बताता हूँ। वैसे आज है 21 मार्च, संडे है, एंड मैं ऑलमोस्ट एक महीने के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। 1 मार्च को लास्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद अब डाल रहा हूँ। काफ़ी लंबा ब्रेक लिया क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना था खुद से और चैनल से भी काफ़ी। और ये रही ईरा, हाय बोलो। एंड ये रहा तौफीक, हाय बोलो। यस, तो मैंने चैनल से थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं बैक टू बैक व्लॉग्स अपलोड कर रहा था, व्लॉग शूट कर रहा था। थोड़ा सा ब्रेक लेना मैंने ठीक समझा। एंड कल हम लोगों ने शूट किया था इंस्टा रील्स के लिए, आपने शायद अब तक देख ली होगी, या नहीं देखी होगी तो KSV के प्रोफाइल पर जल्द ही आ जाएगी। तो ये इंट्रोडक्शन अलग अलग इसलिए हुआ है क्योंकि मैं गया था पहले यशराज स्टूडियोज़, उसके बाद मैं गया था ऑफिस। उस वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर पाया हूँ, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है। और दिखाऊं? ओके, ये लो दिखाओ। आप बोलो, यहाँ पे इसमें देखो, इसमें देखो, यहाँ पे देखो, बोलो। हाँ जी, क्या हाल है? दिस इज तौफीक खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गया था बीच में, गया था यशराज स्टूडियो, वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट किया। क्यों गया था आप पूरा वो देखना। एंड उसके बाद मैं गया था ऑफिस पूरे 1 साल के बाद। अभी तक वर्क फ्रॉम होम चला था लेकिन मैं ऑफिस गया था, वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। और कुछ रीजंस की वजह से उसके आगे का शूट नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही हुआ है। क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप देखिए यशराज का पार्ट। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपनी आहिस्ते की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ अभी। हेलो, मैं हूँ अभी यशराज स्टूडियोज़ में। एंड यहाँ पे पठान की शूटिंग चल रही है। जिनको नहीं पता है पठान कौन सी मूवी होगी, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी है। एंड कल से मतलब 25 से सलमान खान शाहरुख खान यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। ये ड्रिंक्स आपको दिख रहा होगा, एक दो वैनिटी वैन तो खड़ी है लेकिन अभी तक ना सलमान खान की कार है ना शाहरुख खान की कार। गाइस, ये जो है ये शाहरुख खान की वैनिटी वैन है। कल यहीं पे शाहरुख खान सलमान खान के कार थी। लेट्स सी क्या होता है, मौका मिलता है मिलने का या नहीं। होप फॉर द बेस्ट। तो अभी जो मैं बैठा हूँ ये है चकदे इंडिया की कैंटीन, जहाँ पे अगर आपको याद हो कि एक फाइटिंग सीन हुआ था जहाँ पे लड़कियाँ कुछ लड़कों को, मतलब जो जो लड़कियाँ हैं चकदे वाली, वो कुछ लड़कों को मारती हैं, शाहरुख खान भी होता है। तो ये जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ अभी। एंड अभी तक तो वैसे कुछ अपडेट नहीं है, शाहरुख खान सलमान खान दोनों ही नहीं आए। ऐसा सुना था एक सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 2 बजे तक शायद आने के चांसेस हैं, बट फिलहाल अभी तक तो आए नहीं हैं, लेकिन देखते हैं। एक्साइटेड थे और वो भी ये भी कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है उनसे मिलना क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है एंड कोविड की वजह से भी थोड़े मसले चल रहे हैं। बट कोशिश करते हैं, देखते हैं, होता है तो ठीक, नहीं होता तो बस देख भी लो ना, तो भी बहुत बढ़िया है। शाहरुख खान का, हाँ मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, आप पहले वहाँ जाके साइकिल चलाओ, तो कार चलाओ, क्या करना है यार? ये व्लॉग करने देंगे नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, बस और एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, ये लोग इतना एक्साइटेड इसलिए क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जब भी मैं व्लॉग शूट करता हूँ तो तौफीक हीरा हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, एंड वो इसलिए, जैसे मैंने बताया, एक्साइटेड इसलिए ही हैं। तो मैं जो यशराज गया था, मैं आपको रुको एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको प्रॉपरली कहानी बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या था और क्या हुआ। एक मिनट रुको। तो मैं गया था यशराज स्टूडियोज़, क्यों गया था, डैडी की एक रिकॉर्डिंग थी, एक मूवी के गाने की रिकॉर्डिंग थी जिसमें डैडी को बुलाया था। तो मैं स्पेशली उस दिन ऑफिस से छुट्टी लिया मैंने, वहाँ गया। क्यों? क्योंकि यशराज स्टूडियोज़ में पठान की शूटिंग चल रही थी। अगर लोगों को नहीं पता तो पठान है शाहरुख खान की मूवी जो कि अभी आने वाली है, एंड उससे जिस दिन मैं गया हूँ उससे एक दिन पहले से सलमान खान शाहरुख खान दोनों का शूट स्टार्ट था पठान मूवी के लिए। स्पेशली क्योंकि मैं शाहरुख खान का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने स्पेशली छुट्टी ली, मैं गया वहाँ पे। पहले वहाँ पे
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट सीज़न शाहरुख खान का कमबैक है ये, दूसरे से ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा है इस प्रोजेक्ट को। सेकेंड रीज़न कोविड की वजह से कुछ भी अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है। तो वहाँ पे मैंने गार्ड से पूछा कि भाई कुछ पॉसिबिलिटी है मिल सकता हूँ या नहीं, बोले मिल नहीं सकते, सर आते हैं वो डायरेक्टली अपनी वैनिटी में जाते हैं, बाहर नहीं निकलते ज़्यादा कोविड की वजह से। फिर भी मैंने कोशिश करी, मैं बाहर था, मैंने शाहरुख खान को देखा। यस, मैंने शाहरुख खान को देखा, मैं मिल नहीं पाया, मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा। मेरे मैं ना, वो आपको पता है कैंटीन वाला आपने सीन देखा होगा जहाँ पे वो चकदे का मैंने बताया था, वहाँ पे मैं बैठा था, फ़ोन में देख रहा था कि टाइम पास कर रहा था कि वेट कर रहा था शाहरुख खान आए आए आए, एंड अचानक से एक BMW आई, 555 नंबर प्लेट, जुप करके गई और वैनिटी के पास रुकी। लेकिन वहाँ पे मेरा ये खुशनसीबी थी कि मैंने एटलीस्ट उन्हें देख लिया। मैं बता नहीं सकता, मैं शूट ही नहीं कर पाया वो चीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था, इमोशनल था मैं। मेरे साथ एक वहाँ पे वो थे, कैंटीन वाले ही थे, उन्होंने ये बोला शाहरुख खान जो है बहुत ही हम्बल है, अपने फ़ैन से हमेशा मिलते हैं। मैंने कोशिश करी थोड़ी बहुत मिलने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिले। एनीवे, ये था शाहरुख खान को मैंने देखा। पठान फिल्म के रिलेटेड ज़्यादा पता चल नहीं पाया है, बट जैसी भी होगी सुपर मूवी होने वाली है। मैं कुछ ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट जितनी चीज़ मुझे पता चली है, ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं, जैसे भी आप लोग को ये पता चलेगा। सेकेंड थिंग, अब आप देखिए मेरे ऑफिस का पार्ट। सुबह के बज रहे हैं 8:30, एंड अभी मैं हूँ रास्ते में, कहाँ जा रहा हूँ, कोई शूट वूट नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अभी तक वर्क फ्रॉम होम चला था, बट आज के दिन सैटरडे है आज, तो आज के दिन हमें बुलाया है क्योंकि कुछ चीज़ थी, कुछ रीज़न थे जिसके वजह से ऑफिस बुलाया गया। तो आज का दिन हम ऑफिस में ही काम करेंगे। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है एंड इंटरेस्टिंग भी है, एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि सबसे एक साल बाद मिलने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा जाता है दिन। I'm just going, I forgot my ID card, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, बट बस पहुँच गया हूँ मैं एंड लेट हूँ। स्टार्ट होता है हमारा 9 बजे, एंड अभी 9:05 हो गए, तो बचते हैं जल्दी, फिर शूट तो कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं ब्रेक में फिर शूट कर रहा हूँ बस। ठीक है, चलते हैं। ये जो जगह है ये पहले पूरी भरी रहती थी कार्स वार्स लोगों का आना जाना, लेकिन वो पूरा खाली है। ओके गाइस, सो आई एम बैक। अभी हुआ है हमारा ब्रेक, अब तक दिन ठीक ठाक चल रहा है। अरे मिल रहे तुम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, मतलब वैसे तो साथ में कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग ऑफिस आना शुरू कर देते तब हम वर्क फ्रॉम करते थे, कुछ ऐसा डर नहीं लगा था स्टार्टिंग करने आना है तो था। अब कैसा लगता है? भी ठीक है, अभी तो मेरा आज तो अरे मैं आज आया हूँ 1 साल बाद, और ये आज कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, इसका लास्ट डे आज कंपनी में। कैसा अजीब यार, हम कर आज मुझे पता चला कि इसका लास्ट डे है, ये धोखेबाज दोस्त होते हैं वो ये है, शक्ल देखो ये थोड़ा शर्मा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों कैसे अजीब लग रहा है उससे, बट इतना शांत है नहीं जितना ये लग रहा है। एनीवे ब्रेक हुआ है अभी, कुछ 15-20 मिनट बाकी हैं, एंड थोड़ा चिल कर रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ऑफिस के पार्ट में ये हुआ कि मैं पूरे 1 साल बाद लास्ट ऑफिस गया था, मार्च में ही गया था मैं, एंड मार्च के बाद मैं अब गया हूँ ऑफिस में अपने, वहाँ गया 1 साल बाद, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे दोस्त मिले 1 साल के बाद, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड फिर वहाँ से हम गए थे
थोड़ा सा घूमने, लेकिन वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया। यशराज स्टूडियोज़ में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि जैसे मैंने बताया स्ट्रिक्ट माहौल था, तो मैं बाहर अगर निकला कैमरा लेके तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब अलाउड नहीं है, आप प्लीज़ रख दीजिए। तो मैंने भी सोचा यार क्यों ज़बरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट करना है, कुछ भी करना। एंड अगर आप लोग को तौफीक ये लोग की आवाज़ आ रही होगी तो ये लोग पीछे साइकिल चला रहे टेरेस पे। ऑफिस के टाइम पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन का हो गया था स्टोरेज फुल, जिसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। मैं यार मुझे व्लॉग करने दो। कल हम लोगों ने करी है इंस्टा रील शूट एंड मेरा व्लॉग कुछ नहीं आ रहा था, ना ही मैंने कल ऐसा कुछ शूट किया, क्योंकि यार जब तक मन से नहीं होता ना तब तक फिर काम भी अच्छे से नहीं होता। फिर वो ज़बरदस्ती का व्लॉग शूट करो, ज़बरदस्ती एडिट करो, ज़बरदस्ती अपलोड करो, तो वो फील नहीं आता है। तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया कुछ 15-20 दिन का। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी इतने दिनों के बाद व्लॉग शूट करना। अब आज के दिन में और क्या क्या होता है, क्या करता हूँ मैं, फिर आपको भी दिखाते हैं अगर कुछ होता है तो। ठीक है, आई एम बैक। मैं अभी फ्री बैठा था, मैं सोचा यार सुबह से जो रिकॉर्ड किया है वो ऐड कर देता हूँ, जो ये यशराज का और ऑफिस जो गया था ये मैं टाइमलाइन पे ऐड कर देता हूँ और फिर एडिट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, मेरे को लगा ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं। अब ये जो टोटल रॉ क्लिप्स है सिर्फ, अभी तक एडिट स्टार्ट नहीं किया, रॉ क्लिप्स जो पहले 9 मिनट की थी आज का शूट मिला के वो हो चुकी है 42 मिनट की। मैं सोचा यार इतना तो ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं आज मैंने, नॉर्मल सी जो 4-5 क्लिप्स करी, 2-3 स्लो मोशन ले लिए, टाइम लैप्स ले लिया, मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। एंड मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो अब हो गया है अगर भले अच्छे पार्ट में हो उनको डिलीट करो क्योंकि उससे व्लॉग बहुत बड़ा बनता है। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर चैनल पर नए हैं तो, एंड शेयर करिए अगर अच्छा लगे, नहीं लगे तो मत करिएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।